बसमरिम वेलकम टू द लेक्चर नंबर ट्वेल्व पार्ट ए ऑफ डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन डबल ई थ्री वन नाइन कोर्स आज के लेक्चर में हम सिक्वेंशल डिज़ाइन की कोड एग्जांपल शिफ्ट रजिस्टर को देखेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कि रीसेट और क्लॉक जो है वो टेस्ट बेंच में किस तरीके से जनरेट की जाती है ये कॉरबेट का शिफ्ट रजिस्टर है जो कि अगर इसकी हम पोर्ट लिस्ट देखें तो उसके अंदर एक आउटपुट है डेटा uh, आउट के नाम से जो ये फाइनल आउटपुट आपको नज़र आ रही है और इसके अलावा इसकी तीन इनपुट्स हैं जिसमें डाटा इन सिंगल बिट की इनपुट है इसी तरीके से क्लॉक का सिग्नल है और एक रीसेट का सिग्नल और क्योंकि ये फोर बिट का रजिस्टर है शिफ्ट रजिस्टर है तो इसके अंदर हमने डाटा रजिस्टर्स डिक्लेयर किए हुए हैं जो कि फोर बिट के वैक्टर्स हैं उसके बाद ऑलवेज़ uh, का ब्लॉक है ऑलवेज ए कम्प्लीटली ब्लॉक जो है वो लिखा हुआ है जिसमें आ, इसकी सेंसिटिविटी लिस्ट में रीसेट सिग्नल और नेगेटिव एज ऑफ रीसेट और पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक मौजूद है तो इसका मतलब है जब भी पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आएगा या रीसेट का नेगेटिव एज आएगा तो ये पूरा ऑलवेज ब्लॉक जो है वो एक दफा इन हो जाएगा तो इसमें स्टार्ट में सबसे पहले रीसेट है अगर रीसेट ज़ीरो तो ये फोर बिट का जो रजिस्टर है इसके तमाम के तमाम फोर बिट्स जो हैं वो रीसेट हो जाएंगी ये रीसेट का सिग्नल कब आएगा जब आपके पास ऑफ रीसेट आएगा इसका मतलब है रीसेट वन से ज़ीरो होने वाला है अगर ब्लॉक में रीसेट की से एंटर हुआ है तो रीसेट की ये वाली कंडीशन ट्रू मिलेगी और तमाम के तमाम रजिस्टर्स जो हैं वो रीसेट हो जाएंगे और अगर रीसेट की वजह से जो है वो ऑलवेज़ ब्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ तो पॉजिटिव वेज ऑफ क्लॉक दूसरी कंडीशन यही है या तो नेगेटिव रीसेट होगा नहीं तो पॉजिटिव आइज ऑफ क्लॉक होगा अगर पॉजिटिव वेज ऑफ क्लॉक होगा और रीसेट जो है वो ज़ीरो भी नहीं है तो एल्स एल्स जो है वो एग्जीक्यूट करेगी जिसमें आ, इस स्टेटमेंट को अगर गौर से देखें तो इसमें एक कंकेटनेशन ऑपरेटर यूज़ हुआ हुआ है जो दो सिग्नल्स को कंकेटिनेट कर रहा है एक डाटा इन को और दूसरा डाटा रेज जो कि हमारा शिफ्ट रजिस्टर की रजिस्टर्स हैं उनकी तीन बिट्स थ्री मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स बिट नंबर थ्री बिट नंबर टू और बिट नंबर वन और अगर इसको देखें तो कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो है फोर बिट का सिग्नल बना रहा है जिसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे डाटा इन है यानी जो नया जो डाटा यहाँ से इन हो रहा होगा वो जो है वो इस रजिस्टर में सेव हो जाएगा और इस इसके इसका डाटा जो है वो नेक्स्ट रजिस्टर में और इस रजिस्टर के डाटा जो है नेक्स्ट में और इसका रजिस्टर के डाटा जो है वो नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये वाली जो एल्स की पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है ये एक ही पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक के ऊपर जो इनपुट का डाटा है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे प्लेस भी कर रहा है और इस तरीके से बाकी जो रिमेनिंग जो बिट्स हैं डाटा रेच की उनको जो है वो वन टाइम राइट शिफ्ट भी कर रहा है और अगर फाइनली हम देखें तो इसी ऑलवेज ब्लॉक में यानी पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक के ऊपर जो लीस सिग्निफिकेंट बिट है डाटा की वो जो लास्ट रजिस्टर हमें नज़र आ रहा है डाटा आउट वाला ये रजिस्टर ये ये फाइनल बिट जो बिट नंबर जीरो है ली सिग्निफिकेंट बिट ये डाटा के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है तो ये भी सिंगल पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक के अंदर ही ये ऑपरेशन भी परफॉर्म होगा यानी पहले जो है वो डाटा इन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे प्लेस होगा रिमेनिंग तीन बिट्स जो है वो आगे शिफ्ट होंगी और फाइनल जो मोस्टली सिग्निफिकेंट बिट है वो डाटा आउट पे भी अवेलेबल हो जाएगी यानी इसका मतलब है एक पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आने पर डाटा इन Uh, से नया डाटा इस रजिस्टर में आता है यहाँ से नेक्स्ट रजिस्टर में और इस तरीके से ट्रांसफर होते हुए फाइनली जो ली सिग्निफिकेंट बिट का डाटा वो डाटा आउट पे हो जाएगा तो ये शिफ्टिंग का ऑपरेशन जो है वो एक एज क्लॉक में वन टाइम शिफ्ट जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा इसी इसी अप्रोच को जो जो लॉजिक जो है वो जिस तरीके से यहाँ पर शिफ्टिंग की गई है इसकी एक अल्टरनेट अप्रोच जो है वो यहाँ मौजूद है आ, उसमें बिल्कुल ये जो दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं जिसमें इफ और एल्स लगा हुआ है इसी को जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें अगर तो रीसेट है तो यहाँ पर तो सेम काम ही हो रहा है कि फोर बिट्स जो हैं वो चारों को चारों रजिस्टर्स जीरो हो जाएंगे अदरवाइज़ यानी अगर रीसेट नहीं है और पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आया है तो डाटा रेज वन की बिट डेटा राइज़ ज़ीरो पे जा रही है इसी तरह डेटा राइज टू वन पे जाएगा थ्री जो है वो टू पे जाएगा और फाइनली जो डेटा इन हो रहा है वो जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर जा रहा होगा यहाँ ये वाली स्टेटमेंट मिस है क्योंकि मैंने बताया जो अल्टरनेट अप्रोच है वो सिर्फ जो है वो इन दो स्टेटमेंट्स के लिए जो अल्टरनेट बनाया हुआ है तो फाइनली डाटा राइज ज़ीरो डाटा आउट पे जाना ही जाना अच्छा ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो आपको डाटा आउट जो है वो जो एक एडिशनल रजिस्टर एंड पे लगा हुआ था ये प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको दिखाऊं ये वाला जो रजिस्टर लगा हुआ था ये अब इस फिगर में जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है सर्किट में मौजूद नहीं है तो हमने किया क्या है कि जो आपकी आउटपुट है डाटा आउट डिक्लेयर की हुई है इनपुट डाटा इन है और रीसेट अपनी अपनी जगह मौजूद है और फोर बिट का जो शिफ्ट रजिस्टर है वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया इसके बाद हमने जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी उसको डायरेक्ट कॉन्टीन्यूस असाइनमेंट की हुई है डाटा आउट के ऊपर डाटा आउट जो कि आपकी आउटपुट डिक्लेयर है उसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली असाइन हम कर रहे हैं डाटा रेज जीरो को तो देखें ये क्योंकि कॉन्टीन्यूस असाइनमेंट हो रही है लिहाजा इस डाटा आउट को रेज भी हमने डिक्लेयर नहीं किया सिर्फ आउटपुट बनी हुई है तो एक आउटपुट है डेटा आउट के नाम से जो कि रजिस्टर uh, नहीं है और इसके ऊपर हमने असाइन कर दिया यानी डेटा रेज जीरो इस वाल इस वाले रजिस्टर में जब भी कोई चेंज आएगी तो वो चेंज एज़ इट इज़ जो है वो डेटा आउट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी यानी जैसे ही ये रजिस्टर अपने आप को अपडेट करेगा तो साथ ही डाटा आउट जो या जो फाइनल आउटपुट है वो भी अपडेट हो जाएगी तो एक और रजिस्टर लगाने की जो है वो जरूरत महसूस नहीं रही लेकिन डाटा रेज जीरो ने कब अपडेट होना है डाटा रेज जीरो हमेशा अपडेट नहीं होगा ये सिर्फ अपडेट होगा जब पॉजिटिव वेज ऑफ क्लॉक आ रहा होगा या नै वेज ऑफ री आ रहा होगा क्योंकि ये ऑलवेज़ ब्लॉक जो ये कंप्लीट ऑलवेज ब्लॉक है ये तब इन्हीं दो कंडीशंस के ऊपर चल रहा है तो डाटा रेज जीरो अगर आप यहाँ पे देखें तो अगेन सेम लॉजिक जो मैंने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पर मौजूद है कि डाटा रेज अपने आप को अपडेट कर रहा है और अपडेट किस तरीके से हो रहा है किसी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे नया आने वाला डाटा और रिमेनिंग तीन बिट्स जो है वो शिफ्ट हो रही हैं यानी ये ये जो अगर हम देखें तो यहाँ पे इस बिट नंबर ज़ीरो होगी बिट नंबर वन होगी बिट नंबर टू होगी और उसके बाद जो है वो बिट नंबर थ्री होगी लेकिन बिट नंबर थ्री को कनकेटिनेट किया हुआ है टू वन और जीरो के साथ बिट नंबर थ्री के ऊपर डाटा इन आ रहा है जो थ्री वाला डाटा था वो टू पे चला जाएगा जो टू वाला डाटा है वन पे और जो डाटा ऑलरेडी अल, बिट नंबर वन पे स्टोर हुआ है वो ऑटोमेटिक बिट नंबर जीरो पे चला जाएगा तो इस तरीके से जो शिफ्टिंग ऑपरेशन कम्प्लीट हो जाएगा इस स्लाइड में हम देखेंगे किस तरीके से हम जो है वो स्टिमुलस लिखेंगे क्योंकि ये डिज़ाइन मॉड्यूल है उसके अंदर क्लॉक यूज़ हुई हुई है तो हमने ये भी लर्न करना है कि हम क्लॉक किस तरीके से जनरेट करें तो उसी शिफ्ट रजिस्टर को हमने यहाँ पे इंस्टेंशिएट किया हुआ है और स्टिमुलस के नाम से मॉड्यूल डिक्लेयर किया हुआ है जिसमें तमाम इनपुट्स को हमने रेज बना दिया है डाटा इन थी क्लॉक थी रीसेट थी इसको हमने रेज डिक्लेयर किया हुआ है और जो डाटा आउट आउटपुट थी उसको वाइड डिक्लेयर किया हुआ है उसके बाद जो डिज़ाइन मॉड्यूल है उसको इंस्टेंशिएट किया हुआ है हमने स्टिमुलस मॉड्यूल में और डाटा आउट जो कि लीफ मॉड्यूल या हमारे डिज़ाइन मॉड्यूल की आउटपुट थी उसको डी आउट एक वायर से कनेक्ट कर दिया है डाटा इनको डी इन से क्लॉक को क्लॉक से और रीसेट को री से और उसके बाद एक इनिशियल ब्लॉक है जिसमें क्लॉक को ज़ीरो किया हुआ है यानी इनिशियली क्लॉक को हमने ज़ीरो किया हुआ है और जब तक हमारी सिमुलेशन रन है ये काम होता रहेगा ये क्या हो रहा है कि क्लॉक इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ क्लॉक हर फाइव यूनिट टाइम के लिए बाद जो है क्लॉक अपनी वैल्यू को जो है वो इन्वर्ट कर रही है इसमें यह चीज़ नोट करने वाली है कि इनिशियली क्लॉक को हमें ज़ीरो करना लाजमी है अगर हम इनिशियली क्लॉक को ज़ीरो नहीं करेंगे तो हमने ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो रेज अगर हम इसको किसी इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करें तो उसके ऊपर एक्स होता है और एक्स जब भी इनवर्स होगा तो वापस एक्स हो जाएगा तो लिहाजा इसको इनिशियली हम जीरो करेंगे और उसके बाद फिर हर फाइव यूनिट टाइम डिले बाद इसको जो है वो इन्वर्स करते जा रहे हैं तो इस तरीके से जब भी हमारी जब तक हमारी सिमुलेशन चलती रहेगी ऑलवेज ये, ये काम होता रहेगा कि हर फाइव यूनिट डिले बाद जो है वो क्लॉक अपने आप को इन्वर्ट करती जाएगी उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक है वो एक और इनिशियल का ब्लॉक लिखा हुआ है जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जो है वो ये ब्लॉक कंप्लीट चल रहा है इसमें इनिशियली हमने रीसेट को ज़ीरो कर दिया है जैसे ही रीसेट ज़ीरो होगा तो आ, आ, यानी टाइम ज़ीरो के ऊपर क्योंकि इनिशियल तमाम इनिशियल ब्लॉक पैरेलल में टाइम ज़ीरो के ऊपर चल रहे होते हैं तो टाइम ज़ीरो के ऊपर ही जैसे ही रीसेट ज़ीरो होगा तो हमारा ऑलवेज़ ब्लॉक जो है वो चलेगा और ऑलवेज़ ब्लॉक रीसेट क्योंकि डिज़ाइन मॉड्यूल में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप देखें कि जैसे ही रीसेट जीरो होगा तो डाटा रेज की तमाम फोर बिट्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी तो इसके ज़ीरो होते ही तमाम आउटपुट जो हैं वो ज़ीरो हो जानी चाहिए उसके बाद डाटा इनके ऊपर हमने वन प्लेस कर दिया थर्टी यूनिट डिले तक हम जो है वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं और उसके बाद क्योंकि रीसेट ज़ीरो हुआ था तभी शिफ्टिंग स्टार्ट नहीं होगी उसके बाद हमने जो है वो रीसेट को वन कर दिया है रीसेट को वन करने से हमारा जो शिफ्टिंग वाला ऑपरेशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद डाटा को दोबारा ज़ीरो कर दिया अब हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट इस इस सारे टाइम के गुजरने के बाद ये वाला जितना भी टाइम है थर्टी यूनिट का डिले गुजरने के बाद अब हम वेट कर रहे हैं कि पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक कब आएगा तो जैसे ही पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आएगा तो डाटा इन इनपुट पे हमने वन भेज दिया फिर अब नेक्स्ट पॉजिटिव एच के ऊपर डाटा पे जीरो भेज दिया इसी तरीके से हर पॉजिटिव एच पे डाटा वन ज़ीरो वन जीरो हम अल्टरनेट करते जा रहे हैं और उसके बाद फाइनली जो है वो लास्ट पॉजिटिव एच क्लॉक पे यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवंथ पॉजिटिव एच क्लॉक के ऊपर हमने जो है वो सिमुलेशन को स्टॉप कर दिया और उसके बाद इनिशियल का आ, जो ब्लॉक था वो यहाँ पर एंड हो गया तो इस तरीके से कंप्लीट हमने जो स्टिमुलस इसका लिख लिया तो अगर आप इसको आ, आ, इसकी वेब आउटपुट वेब को थोड़ा सा मॉनिटर करें तो ये डाटा रेज वो रजिस्टर है फोर बेड का जिसके अंदर शिफ्टिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पे क्लॉक आपकी स्टार्ट से ही इन्वर्ट होना शुरू होगी है ठीक है और रिसेट का सिग्नल इनिशियली हमने ज़ीरो रखा हुआ तो टेन तो ट्वेंटी और थर्टी थर्टी यूनिट दे तक कि ये जो है वो जीरो है और उसके बाद ये वन हो जाता है जैसे ही ये वन होता है तो उसके बाद हमने डाटा इनको जो है वो जीरो भी कर दिया था और अगले पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक के ऊपर ये हमने डाटा को वन किया है नेक्स्ट पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक के ऊपर डाटा ज़ीरो हो गया है फिर नेक्स्ट पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक के ऊपर डाटा वन और जीरो वन जीरो हो रहा है और इसी तरीके से ये डाटा जो है वो साथ साथ यहाँ पे शिफ्ट होकर अगर आप इसको एक्सपेंड करके देखें स्टिमुलस लिख के आप मॉडल सिम में इसको रन कर लें तो आपको हर बिट बाई बिट नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो है वो डाटा आपका शिफ्ट होता जा रहा है यानी यहाँ पर जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे डाटा इन जब ने वन यहाँ पर रखा हुआ था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया अगले पॉजिटिव एजो क्लाक के ऊपर ये वाला वन इधर चला गया और डाटा इन क्योंकि जीरो हो गया था तो ये ज़ीरो एंटर हो गया फिर इसी तरीके से ये जीरो वन यहाँ पर ट्रांसफर हो गया और नया डाटा इन्वर्ट हो गया फिर वन हो गया और ये वाले तीनों अगले पॉजिटिव वैज क्लाक में जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और नैक्स्ट डाटा जो इन हुआ था जो पहले वन हुआ था इन्वर्ट होकर दोबारा ज़ीरो हो गया और इसी तरीके से जो है वो नेक्स्ट ये शिफ्ट होता रहेगा जब तक हमारे पास पॉजिटिव क्लॉक आ रहे हैं तो यहाँ पे लेक्चर नंबर ट्वेल्व पार्ट ए जो है वो कंप्लीट होता है नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है वो लूप्स वगैरह को स्टडी करेंगे थैंक यू सो मच फॉर अल्लाह हाफिज़